हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी का कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, हुडरू का जलप्रपात के लेखक हैं। हुडरू का जलप्रपात के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कामता प्रसाद सी काम। अगला क्वेश्चन है, हुडरू का जलप्रपात किस तरह का विधा है। हुडरू का जलप्रपात किस तरह का विधा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यात्रा वृतांत। अगला क्वेश्चन है, हुडरू का जलप्रपात कहाँ है। हुडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर में। हुडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, मोहर छापा वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी। मोहर छापा वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानू दीदी। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है, हुडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243 फुट। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे कविता के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहारी। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर प्रश्न है, बिहारी किस तरह के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगारी। बिहारी किस तरह का कवि है, तो सिंगारी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के सिंगारी कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कांचे शब्द का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्चा। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहारी। अगला क्वेश्चन है, ठेस कहानी के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फणीश्वरनाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किस जिले में ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया जिला में। अगला क्वेश्चन है, लेखक के गांव का एक प्रसिद्ध कलाकार कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिरचन। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर प्रश्न है, लेखक की छोटी बहन का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानू। अगला क्वेश्चन है, मानू किस पाठ की पात्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठेस। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ कविता के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ एक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना गीत। बच्चे की दुआ क्या है, तो प्रार्थना गीत। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भगवान से क्या मांग रहे हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी देश की समृद्धि, ऑप्शन नंबर सी प्यार लगाव, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की दुआ प्रार्थना कब लिखी गई थी, बच्चे की दुआ प्रार्थना कब लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इस प्रार्थना में किस पर बल दिया गया है, इस प्रार्थना में किस पर बल दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव सेवा, ऑप्शन नंबर ए मानव सेवा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के लेखक कौन है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी बंशीधर श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, पद्मा कौन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगध की राजकुमारी। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मा के सामने, किसके सामने तलवार फेंक देते हैं अशोक, तो पद्मा के सामने। अगला क्वेश्चन है, 24 नंबर प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार वर्ष से। अगला क्वेश्चन है, 25 नंबर प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है, अशोक किस कहानी का नायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी अशोक का शस्त्र त्याग। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।